अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल सहनाज के संसार में। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बस अपना लव एंड सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना है। तो ये वीडियो है मतलब 16 नवंबर पार्टी में गई थी, तो बस मैंने वही ब्लॉग आप शूट किया है, लेकिन ये 4-5 दिन पहले का वीडियो है। एक्चुअली मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी ना, तो 29 अक्टूबर को, तो एक कुरेसी जी ने मेरे लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था अमेजोन से, जो थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने शूट कर लिया था। तो आज के ब्लॉग में मैं इसको ऐड कर रही हूँ। उन्होंने ये सैमसंग का मोबाइल मेरे लिए ऑर्डर किया था, का मोबाइल है जो कि कुरेशी जी ने ऑर्डर किया था। इससे पहले भी मेरे पास सैमसंग का ही था और उससे पहले जो था वो भी सैमसंग का ही था। तो अच्छे मोबाइल निकलते हैं सैमसंग के, और तीनों ही ऑनलाइन उन्होंने ऑर्डर किए थे, और अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। अभी मैं काम चला रही थी उसका, बस थोड़ा सा फ्रंट कैमरा जो ना उसका सही नहीं था, तो मैंने ऐसी बातों में कभी बोल दिया होगा तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो मैं थोड़ा सा उनसे नाराज़ भी हो गई कि मैं खुद बता देती अगर मुझे ज़रूरत होती तो। लेकिन मतलब सभी को लगता है, सभी हाउसवाइफ को लगता है कि फालतू का खर्चा नहीं हो। तो बस इसके साथ चार्जर ही निकला है, हेडफोन वगैरह कुछ नहीं निकला है। तो बिट्टू को बस शौक लगता है कुछ भी ऐसा पार्सल वगैरह या मतलब सूट करना होता है तो वो ओपन कर आता है। ऐसे वीडियो जैसे ग्रॉसरी करके आए तो भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी करने लग गई हूँ। एक्चुअली हुआ है अभी दोपहर, और मतलब शाम होने वाली है, अभी रात नहीं हुई। डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है शाम को, और कुरेशी जी भी नहीं जाएंगे ना तो बच्चे जाएंगे, क्योंकि कुरेशी जी का आना है ड्यूटी का कॉल, तो वो ऐसे नहीं जाती कि ड्यूटी का कॉल भी आना है फिर वहाँ से भागम भाग हो जाती है मतलब, तो इस तरह से नहीं है। तो बच्चे और कुरेशी जी घर पर रहेंगे, तो मैंने कहा चलो डिनर का कर दूँ। तो मैं यहाँ पर डिनर तैयार करने लगी हूँ। तो डिनर में बना रही हूँ बिरयानी, वही सिंपल सी बिरयानी जैसी नॉर्मल बनती है अकनी बना के, और मटन ले आए थे कुरेशी जी, तो मैं बस बिरयानी बना दूँगी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है कि पार्टी में मतलब खुद ने तो अच्छा खा लिया और फिर यही लगता है कि बच्चे पता नहीं क्या। तो मैं डिनर तैयार करके गई थी। एक्चुअली कुरेशी जी तो बोल रहे थे कि ऑर्डर कर देंगे, जोमेटो से ऑर्डर कर देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, दिन पहले भी बाहर से ही खाना आया था और रोज़ रोज़ बाहर का खाना अच्छा नहीं है। तो बस मैं घर पे ही तैयार करने जा रही हूँ। वहाँ पर मटन गल गया है, थोड़ा सा कसर रह गई, फिर मैंने ये भिगो कर रखे थे राइस, तो बस मैं उसको ऐड कर दूँगी। और नॉर्मल सी बिरयानी बना रही हूँ, पर तो वैसे तो बिरयानी वो लेयर वाली होती है, पुलाव समझ लीजिए या कुछ भी, तो ये अकनी वाला बिरयानी समझ लीजिए। तो बस जब कुकर में फटाफट से मैंने तैयार करना थी, क्योंकि मुझे तैयार भी होना है पार्टी के लिए जाना है, तो बस मैं कुकर में ही जल्दी जल्दी बना रही थी। बस ये फटाफट वाली बिरयानी तैयार हो रही है, और जब भी जल्दीबाजी हो तो बस कुकर में बना लीजिए इस तरह से, और बस पानी का अंदाज़ एक से रखिए, और बाकी बहुत अच्छी अम्मी बिरयानी बनी थी। बच्चे तारीफ़ कर रहे थे, मम्मा बहुत अच्छी बिरयानी बनी। और बच्चों वैसे भी मैं भी कम जाती हूँ पार्टी में, ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, और जाती हूँ तो बच्चों को लेके ही जाती हूँ, लेकिन क्या है समटाइम ज़रूरी हो जाता है कहीं कहीं जाना, मतलब जाना भी नहीं है, और मतलब मन हो या नहीं हो, लेकिन कुछ रिश्ते कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जाना ही जाना होता है। तो बस मैं जाऊँगी, बच्चे नहीं जाएँगे। अभी लॉकडाउन में और ये वायरस में मैं बहुत ही कम पार्टी, एक आध पार्टी में गई हूँ, वैसे तो मुझे याद नहीं, गई हूँ, ज़रूरी हुआ होगा तभी गई होंगी, और बच्चे भी नहीं जाते हैं, एक आध पार्टी में ही अम्मू गया है, बिट्टू तो अभी तक नहीं गया है। और देखिए फटाफट तैयार हो गई है, और बस जस्ट मैं तैयार होंगी जल्दी से। एवरीवन कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के करम से। तो बस आप देख रहे होंगे मैं हो गई हूँ रेडी, जी हाँ। तो मैं अभी जा रही हूँ एक पार्टी में, तो मेरी बड़ी बाजी है ना जो, उनके बच्चे की आज एंगेजमेंट है, तो मैं वही अटेंड करने जा रही हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, ये देखिए मैंने वही ड्रेस पहन लिया है जो कि मेरी एनिवर्सरी पर कुरेशी जी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो बस यही ड्रेस मैं पहन के जा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ये देखिए, पहले ड्रेसअप एक्चुअली क्या है, मेरी जो फूफी की लड़की है उनके बेटे का की आज एंगेजमेंट है, तो कुरेशी जी तो जा नहीं रहे हैं क्योंकि उनको नाइट ड्यूटी करना है, नाइट ड्यूटी मतलब आने ही वाली होगी उनकी, बुक कॉल आने वाला होगा यानी ड्यूटी का तो बस वो ड्यूटी जाएंगे, और बच्चों को भी नहीं ले जा रही हूँ, मैं अकेली जाऊँगी। मेरे भाई आने वाले हैं मुझे लेने के, मेरे साथ चलिए और देखना कि क्या एंगेजमेंट में क्या क्या कैसे क्या प्रोग्राम हो।
काम वाम करके और मैं तैयार हो गई हूँ और बस मैं वेट कर रही हूँ। और मैंने भाई सूट डाल लिया है जो एनिवर्सरी पर दिलाया था कुरैशी जी ने, और मैं वेट कर रही हूँ भाई अपने भाई का आने का, और जैसे ही वो आता है तो हम लोग निकलेंगे। और बहुत सिंपल सी मैं तैयार हुई हूँ और बहुत ही कम प्रोडक्ट में यहाँ पर पार्टी में आ गई हूँ। और यहाँ पर चल रहा है अभी नाश्ता चल रहा है, और बहुत ही मतलब मैंने बहुत ही कम सूट किया है, और मतलब मैं बस जितने भी मुझे क्लिप मिली तो मैंने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऐड कर दी। और यहाँ पर नाश्ता चल रहा है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी इंगेजमेंट की थी उन्होंने, और माशाल्लाह से सात सात बहनें थीं और ये छठवें नंबर की थी जो यहाँ पर हमारी बाजी के यहाँ पर आ रही हैं। तो बहुत मतलब थोड़ा सा टफ़ हो जाता है सात सात बच्चियों का करना, को एक ही करने में थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, फिर चाहे जिसकी सात सात बच्चियाँ हों। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था उन्होंने, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। सभी माँ बाप अपने सभी पेरेंट्स अपने बच्चियों के लिए अच्छा से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो उनकी सात बेटियां थीं, तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया था हम लोगों का स्वागत, बहुत अच्छे से किया था। यह है हमारी बाजी यानी हमारी फुप्पी की लड़की जिनके बेटे की इंगेजमेंट है, तो माशाल्लाह से वो भी बहुत यंग है अभी, ऐसा नहीं है कि, और बहुत कम ही एज में उन्होंने कर दिया अपने बच्चे का, मतलब सही है बच्चे सेट हैं तो एक कर देना चाहिए सही उम्र में, सही सभी काम हो जाएं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी पार्टी की थी लड़की वालों ने, और बहुत अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे। और यहाँ पर ये गोद भराई की रस्म हो रही है, हो गई है लड़की की, हो गई है अब लड़के की होना है। तो वही है मैंने ज़्यादा सूट नहीं कर पाया यहाँ पर, तो बस यहाँ पर लड़के की गोद भराई होगी, अब लड़की की हो गई है। और गोद भराई लड़की की करते हैं हमारे यहाँ पर जो कि दूल्हा भाई होते हैं लड़की के, दूल्हा भाई वगैरह यानी जीजा जी, तो वो लोग करते हैं तो वही कर रहे हैं। और लड़की लड़के के हाथ पर स्वीट रखेंगे और पैसे रखेंगे, तो यही होता है गोद भराई। फिर होती है सलाम, यानी सलाम तो आप लोग सब जानते ही होंगे, सलाम होती है, पैसे जिसको जो गिफ्ट देना है गिफ्ट देते हैं, सलाम होते हैं, छोटे बड़े सलाम करते हैं। तो बस इस तरह से इंगेजमेंट हो गई है और सभी खुश हैं, सभी अच्छे से सब कुछ प्रोग्राम निपट गया है माशाल्लाह से। तो इन्जॉय कीजिए,